शर्मा की बहू निशा शर्मा के हाथ में है। वर्तमान में निशा शर्मा नगर पालिका की अध्यक्ष है, जिन्होंने इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और पूरी भूख हड़ताल पर बैठ चुकी है। अब देखना यह है कि इस हत्या की गूंज सड़क से संसद तक पहुंच पाती है या नहीं। मैं भूषण कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, देखते रहिए TV9। मैं जानती हूँ कि दिनकर जी को किसने मरवाया। उनकी जान सिर्फ हमारी वजह से गई है। क्या गलती थी उनकी? सिर्फ इतनी कि उन्होंने हमारी मदद की। I hate you, Bijay. पता ना का घुस गए बा एकरा दिमाग में। एकरा समझ में काहे नहीं के आवत कि विजय कंतवा गीत की तरह आंख लगा के बैठल। अगर यहां से घर से बाहर निकली तो हथियारा छोड़िए एकरा के। और एकर बुद्धि देखा एकरा कहता कि हमने एकरा के घर में बंद करके रखले बानी। माई तू शांत रह, हम समझावा दानी हो देगी। हां अब तू ही समझावा एकरा। अरे एक को तो बेटा बा हमर और भी हमार बात ना सुनत। उधर बात समझने की कोशिश कर। ये दोनों खानदान का मिलन नहीं हो सकता। तुम जितना वो लड़की के करीब जाओगे, उसके बारे में सोचोगे, हम सबको उतना ही तकलीफ होगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? दीदी माया तुमको रो रो के समझा रही है तो तुम समझते क्या नहीं? अरे कोई सही है बात? ए बाबू कहाँ जा रहे हो? जी वो मेरे ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड का फोन। अरे तो ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंड से ही बात करो, प्रॉब्लम है। जी नहीं, मैं अपने कमरे में जाके बात कर रहा हूँ। लव ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। उन्होंने तुमने न्यूज़ देखा? विजय कांत ने दिनकर जी को मरवा दिया। हमारे प्यार की सजा उन्हें मिली होती। अगर इतना ही तकलीफ हो रहा है तो थाना में जाके रिपोर्ट काहे नहीं लिखाती हो? मम्मी जी आप खबरदार रहो। मम्मी जी बोली हम अपना कोख में आग लगा देंगे लेकिन दुश्मन का बेटी को बहू स्वीकार नहीं करे। एक बात कान खोल के सुन, तुम्हारे और हमरे खानदान में एक ही रिश्ता हो सकता है, बस दुश्मनी का रिश्ता। हमरे खानदान में दुश्मन की बेटी की कोख से वारिस पैदा नहीं होता, बल्कि ही खानदान का वारिस दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। अगर तुमको सही से समझ में नहीं आया है तो हमको समझाने का और भी तरीका आता है। खबरदार जो हमारा बेटा को फोन करने का कोशिश किया था। हो गई तसल्ली? दिन को ठंडक मिल गई ना आपको? अब दीजिए मेरे मोबाइल। मोबाइल वापस दे दी बाबू, सारा खेला ही तो मोबाइल का। मोबाइल दे दी ताकि लव स्टोरी शुरू रहे तुम्हारा। नहीं मिलेगा मोबाइल, जाओ यहां से। एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, इसके बाप का कातिल है वही खानदान। सभी तो कुछ पालतू जानवरों के साथ भी नहीं करता, जैसा भी अब यहाँ अपने सगे बेटे के साथ किया जा रहा है। अरे अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता यार मैं। चीज बदतर हो गया यहाँ पर सब कुछ। इसने निकल गई तो का के उपाय सोच से निकली बिंदा। हाथ झाड़ देवे से ना तू लोग देखत नहीं खा उदय कैसे हमरा हाथ से निकलल जा रहल बा। एक तो विजय कंतवा ओकरा जान के दुश्मन बनल बा और ऊपर से बाबू साहेब के सर पे प्रेम के भूत सवार बा। जब ले वो महाराजगंज में रही नू वो करी भूत उतरे वाला नहीं खे तो कहां भेजी ओकरा के? अरे आंख के सामने बा तो इतना कान कर देले और अकेले में तो जे मन में ऐसे करिए तो का कहल जाए।
ओकरा के बाहर भेज देला काम में। कहां भेजे के बात करत आरा तू लोग? दिल्ली और कहां? दिल्ली जाके का होकी? नहीं नहीं देख, अगर दिल्ली चल जाई तो एक तो विजय कंतवा से जो खतरा बा वो बच जाई, और दूसरे मेघवा के बुखार उतर जाई। दिल्ली में उतना अपन लोग बा, डिफेंस कॉलोनी में फ्लैट बा, मौसी बाड़ी होकर वहाँ सुरक्षित तो रही का? अब मैं इतना सोचे विचारे की जरूरत नहीं खेली। देख दिल्ली चल रही, देख तो मेघवा से दूर होकर करी, साथ में दिल्ली में एक से एक सुंदर सुंदर लड़की बाड़ी सब है, वही में कौन से लटपटा जाए आखिर तू? बात तो एकदम ठीक करत आ, अब दिल्ली भेज देवे के ही काम बा, वही काम में देरी ना करे के चाहिए। और एक बात और, ये बात के बारे में केहू के पता भी ना चले के चाहिए। विजयकांत के नाक एकदम कुत्ता के नाक है, ओकरा तो ये बात के बारे में भनक भी ना पड़े के चाहिए। विजयकांत तोहर भाई बा, और कोनो बहिन अपना भाई ले ऐसे बोले ले? पहली बात तो वो मेरा भाई नहीं है, he is a murderer, खूनी है वो। खूनी तो तू बारू मेघा, तू खून कैले बारू हमनी के विश्वास के और घर के मान मर्यादा के? मर्यादा और विश्वास के नाम पर तो आप सब लोगों ने हमारे प्यार का खून कर दिया। अरे क्या बिगाड़ा था दिनकर जी ने, सिर्फ इतना कि जिस प्यार को आप लोग नहीं समझ पाए उन्होंने समझा और हमारी मदद की, ये कहाँ का इंसाफ है मां, कहाँ का इंसाफ है? जहाँ अच्छाई को मौत दे दी जाती है और बुराई की जय जयकार होती है। बोलिए, तू आवा हमरा साथ, आवा, तू आवा हमरा साथ। आ देखा ही फोटो के, ये तोहर बाबूजी के मरे क्यों मरे है? हमन मान के सिनूर उजड़ गई, विधवा हो गई नहीं हम, हमर बाल बच्चा सब अनाथ हो गई, किकरा कारण मेघा, किकरा कारण? माँ इसमें उन्हें की कोई गलती नहीं है, उन्हें कभी किसी की जान नहीं ले सकता, अगर इतना सा भी किसी को गलत पहुंचता है ना तो तकलीफ उसको होती है, वो मासूम लड़का है, उसकी इस खाना से क्या दुश्मनी हो सकती है माँ? तोहर भाई श्रीकांत भी तो मासूम ही रहे, लेकिन बीच चौराहा में छेक के बप्पन के लोग मारे की कोशिश कैले सोकरा? अरे उनका का दुश्मनी रहे बप्पन से? एक बार जब दुश्मनी की नींव पड़ जाला तो नींव पे बनल इमारत के एक एक ईंट पत्थर के और दुश्मनी के दर्द भोगिए के पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं माँ? मैंने या उदय ने इस इमारत को खड़ी नहीं की थी ना, क्या हम दोनों जानबूझकर इस इमारत का हिस्सा बने? हमारी सिर्फ इतनी गलती है ना कि हम इस खानदान में पैदा हुए। आप ही सोचिए, क्या सचमुच में हमारी गलती है? बोलिए, तो फिर हम क्यों भुगते ये सजा? क्यों? तो हमरा के सजा दा, अरे दा ना हमरा के सजा, काहे की गलती तो हमरे से भई कि तोहरा के अपना कोख से पैदा कैली। हे ठाकुर जी, ये दिन देखे के खातिर महतारी लोग अपन बच्चा के कोख में रख के जन्म देवेला, कि सयानों के बच्चा महतारी के कोख पर सवाल उठावे? नहीं, ये क्या हो गया आपको माँ? अब मैंने उसको क्यों नहीं समझ पा रही है? मैं उदय के बिना नहीं रह सकती। अरे तो हम क्या करी? दुलारी जी के गोद में गिर के भीख मांगी तोरा ले, वो हमरा से ना हो सके। हे ठाकुर जी, ये कैसे औलाद देने हमरा के? ऊपर जाके हम का कहब उनका से, का मुंह दिखाएब हम उनका के, कि हम अपन बाल बच्चा के इतनो संस्कार ना दे पाएनी कि वो समझ सके कि किकरा से रिश्ता जोड़े के चाहिए और किकरा से ना? सुनत है रवा, वो हमरा के अपना पास बुला ली,
बुला ली रहूं आमरा के अपना पास। अब और हम ना देख सके सब। चुप्पी साध लो, हमको कह दिया और किसी को मत कहना। चाणक्य नीति ये कहती है ना, दुश्मन के घर में हमेशा अपना गुप्तचर छोड़ के रखना चाहिए। वो नीति का पालन हम भी किए हैं। जब एजेंट उनका टिकट करवाया वो खबर किया है हमको। तो ये राजा का है? ये राजा तो बहुत पहले बना लिया था काका, कल तो उसको पूरा करने का दिन है। सब मौत मारेंगे उसको, सब मौत के पूरा महाराज कंज दाल उठेगा। ठीक है, मौका बढ़िया है, इसका इस्तेमाल कर लेने में ही समझदारी है। दुलारी देवी की आंखों का तारा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से दूर हो जाएगा, पर वो जिंदगी भर रोती बिलखती रहेगी अपने अकलौता दुलरवा बेटा की याद में। यही हम भी जा रहे हैं काका, यही हमारा असली बदलाव होगा। फिर बब्बन लाल के खानदान में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। कल हमको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, हम लोग को पूरा प्लानिंग ठोक बजा के। ये कांत जो भी बोल रहा है पूरा प्लानिंग के साथ है बोल रहा है। मतलब? काका उदय को मारने का प्लानिंग हम बहुत पहले से कर चुके हैं। कौन ढंग से बात कर रहे हो तुम? तुमको होश है किसके सामने खड़े हो? अरे सगी माँ है हम, कौन सौतेली नहीं। जो कुछ भी करेंगी तुम्हारी भलाई के वास्ते ही करेंगी। बोलिए और अब क्या भला चाह रही है मेरा? कल दिल्ली जा रहे हो और वहां अपनी मौसी के यहाँ पे रहोगे। वो लोग कोनो बढ़िया कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे और अब आगे का पढ़ाई दिल्ली में रह के ही करोगे तुम। एक मिनट, मैं कहीं दिल्ली में नहीं जाऊंगा। मैंने बोल रहा हूँ यही रहूंगा इसी महाराजगंज में। चुप, ये घर में खाली हम फैसला करती है। हमारा आखिरी फैसला है, दिल्ली जा रहे हो बस। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर आप लोग होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? अब मैं कोई बच्चा नहीं हूं। जहां चाहो वहां भेज दिया, जो चाहो सो कर लिया। ए, मातारी से जबान लड़ा रहा है, होश है कि नहीं? मरेंगे एक थप्पड़, होश में आ जाओगे। ए, मामा जी बहुत बोल लिया और आज तक बहुत सुन लिया हम। अब ना ज्यादा कुत्ता जैसा हम पर भौंके मत। और वैसे भी आप है क्या इस घर के पालतू कुत्ता? चुपचाप किसी कोने में पड़ रही है और भौंकते रहिए वहां जाकर। देख ले लू, सुन ले लू अपने बेटा के बात। ये इज्जत रह गई हमारे घर में तो ये सुने खतरा में इतना दिन से बैठल बनी। बेइज्जती करोगे तुम? हाँ, ये सब हमरे लाड प्यार का नतीजा है? हाँ, अपना ही मुंह लेके दफा हो जाए। चेहरा नहीं देखना चाहते हम तुम्हारा। ताला लगा लो अपनी जवान पे समझ कर। ये
ये सब हमरे लाड प्यार का नतीजा है जो इतना मुंह खुलने लगा है तुम्हारा। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम दिल्ली जा रहे हो, बस जाओ के अपना सामान बांधो जाओ। ए पुत्र,